पटना पुलिस के लिए सर दर्द बना था नट गिरोह, जिसको लेकर पुलिस काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। हालांकि इसको लेकर पटना पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें नट गिरोह के महिला सहित कुल 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये नट गिरोह ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम देते थे, जिसके पास से पुलिस ने 1,59,000 रुपये के साथ साथ सोने के आभूषण और सहित कई बर्तन जो है पीतल के वो बरामद किए हैं, और उसके साथ एक अपाची गाड़ी को भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये नट गिरोह के जो महिला है सदस्य के साथ साथ नाबालिग इसमें भी शामिल हैं, और सुनसान जगह देखकर और सुनसान घर को देख रेखी करते थे, जिसके बाद घटना को अंजाम देते थे। हालांकि इस पूरे मामलों को लेकर पटना के पूर्वी SP भरत सोनी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले ये सुनिए। देखिए, एक लगातार पिछले 15-20 दिन से ये घटनाएँ घटित हो रही है पटना शहर और पटना ग्रामीण एरिया में, जिसमें दीदारगंज, बेऊर, गोपालपुर, गोरीचक, बाईपास और भी कुछ अन्य थाने हैं जहां पे ये घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें रात को जो इंटीरियर और रिमोट एरिया में जो घर होते हैं उसको टारगेट किया जाता है, और उन घरों के अंदर लूट की घटनाएं घटित की जाती हैं। और इन सभी घटनाओं से जो है कहीं ना कहीं जो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में एक भय की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, और वहाँ पे लगातार हमारे द्वारा, पटना पुलिस के द्वारा, हमारी पूरी जितने भी टीम हैं उन सब के द्वारा वहाँ पे लगातार सक्रिय गश्ती जो है उसको वहाँ रखा गया। और वहाँ पे एक पूर्व में भी हमने नट गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए थे, और आज हमारी पूरी टीम के द्वारा सदर 2 और सदर 1 और उसके साथ साथ जो पुनपुन और अंचल के जितने भी थाना हैं उन सभी की टीम के द्वारा जो है एक नट गिरोह के जो मुख्य सरगना है फिरोज नट और धर्मेंद्र नट, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ जो है टोटल 10 मेंबर जो हैं नट गिरोह के, उनको हमने पटना के विभिन्न विभिन्न जगहों से उनको हमने मतलब निरुद्ध किया है, उनको गिरफ्तार किया है, और उनसे पूछताछ करने के पश्चात हमने जो है जो लूटपाट की गई सामग्री थी वो बरामद की गई है। उसमें नगद 1,59,000 रुपये बरामद हुए हैं, अपाचे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, सोना चांदी आभूषण और पीतल के जो है बहुत सारे बर्तन जो है वो बरामद हुए हैं, 7 मोबाइल भी इसके साथ बरामद हुए हैं। और इनके द्वारा ये अपना कन्फेस किया गया है कि इनके द्वारा बाईपास में, गोपालपुर में, गोरीचक में, दीदारगंज में, परसा बाजार में जो है पिछले 15-20 दिन में घटनाएँ घटित वो कर रहे थे। ये जो नट गिरोह के सदस्य हैं ये खगोल क्षेत्र में चितकोरा पुल के पास में और बेऊर में, जानीपुर में जो है इन्होंने अपने जो है अलग अलग स्थान इन्होंने अपने बना रखे हैं, और पशु चोरी करना, वाहन चोरी करना, मोटरसाइकिल चोरी करना, घरों में जाके वहाँ पे लूटपाट करना, इस तरीके के अपराध जो है इनका अमो जो है वो रहता है। तो इसमें महिलाएं जो हैं वो भी इसमें संलिप्त रहती हैं, जो कि रेकी करती हैं घरों की, और उसके बाद जो सबसे रिमोटेस्ट जो घर होता है जहाँ पे ना तो सुगम सड़क होती है और ना पथ होता है, तो जहाँ पे जो है गश्ती जो है कि गाड़ी नहीं पहुँच पाती है एकदम इंटीरियर में, उसी घर को ये पहले रेकी करके टारगेट करते हैं। या तो वो घर खाली रहता है, या उस घर में सदस्य कम रहते हैं, या उस घर की छत जो है वो ढंग से नहीं बनी हो, या उस घर के जो अधर्निर्मित जो मकान होते हैं जिसमें लोग रहते हैं, तो उनको जो है वहाँ पे टारगेट करते हैं। हमारी टीम द्वारा जो बीट ऑफिसर हैं, सेक्टर ऑफिसर हैं, वो लगातार लोगों से ज़्यादा के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो नीचे का जो घर का जो गेट है और जो छत का जो गेट है जहाँ से घर के अंदर से प्रवेश करते हैं उसको मजबूत बनाया जाए, ताकि जो है जो ईजी एंट्री जो इस तरह के लोगों को मिल जाती है वो ना मिले। अधर्निर्मित मकान में रहना अवॉइड करें, अगर रहते हैं तो उसमें जो मेन एंट्री गेट है और जो छत वाला गेट है वो जो है मजबूती से बनाया जाए, और किसी प्रकार की कोई अगर किसी को सूचना मिलती है तो हमारी टीम जो है सभी के पास नंबर अवेलेबल है, वो तुरंत सूचित करें, और हमारी टीम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड भी करती है। कल रात को भी ये घटना गोपालपुर में आप लोगों को हमने लेट ब्रीफ की थी कि सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया, तो जो एक लूट की घटना घटित हो सकती थी वो वहाँ उसको प्रिवेंट किया गया। ग्रामीण लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लाया गया है कि जो सुदूर के जो गांव हैं, जो एकदम रिमोट एरिया है, वहाँ पे भी मोटरसाइकिल से जो गश्ती हो सकती है, जितनी हमसे हम एरिया कवर कर सकते हैं उतना हमने एरिया कवर करने के लिए जो है ये एक प्लान बनाया है, और उन लोगों से भी हमने सहयोग लिया है कि आप लोग भी
जो नए नया जो कंस्ट्रक्शन गोपालपुर और पुनपुन की तरफ बन रहा है वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जो है वहाँ के लोग अपना लगवाएं, उसके साथ साथ जो मकान है उसको गेट जो है उसके मजबूत गेट जो है उसके वो बनाएं। सर ये लोग ज्वेलरी वगैरह कहाँ खपाते थे? देखिए अभी जो है पूछताछ इनसे चल रही है कि ये कहाँ खपाते थे, कौन सुनार को जो है ये बेचते थे, उसमें कुछ कुछ लोगों के जो है हमने आइडेंटिफाई भी किए और वहाँ पे भी हमारी टीम रेड कर रही है, लेकिन अभी जो है ये बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पे है जो इनसे पूछताछ चल रही है, और उसके बाद रिमांड पे भी हम प्रयास करेंगे कि रिमांड पे लेके हम इनसे पूछताछ करें। जो वादी हैं जिनके यहाँ गृह भेदन और लूट की घटनाएं हुई है उनसे भी हम जो सामान जो है वो चिन्हित करा रहे हैं, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमको मिले हैं। ये रहने वाले प्रॉपर कहाँ के हैं, क्या इनके पास कोई पहचान पत्र भी मिला? वो हम आइडेंटिफिकेशन इनसे करवा रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है ये चितपोरा पुल के नीचे जानीपुर बेऊर और खगोल में के रहने वाले हैं। बाशिंदे कहाँ के हैं, इनका डोमिसाइल कहाँ का है, वो हम पता करवा रहे हैं। कुछ कुछ ये घटना इन्होंने छपरा में भी की है, तो छपरा में भी जो विभिन्न थाने हैं उनसे भी हम संपर्क में हैं, उनसे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनसे भी हम जो डिटेल हमको मिल सकती है वो डिटेल भी हम उनसे लें। गिरफ्तारियां कहाँ से हुई है सर मुख्य आरोपी की? एक 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 मुख्य आरोपी की गिरफ्तारियां कहाँ से हुई है? देखिए गिरफ्तारियां जो है वो विभिन्न विभिन्न जगहों से हुई है, चितकोरा से हुई है, खगोल से हुई है, जानीपुर से हुई है और बेहूर से हुई है, गोरीचक से गिरफ्तारियाँ हुई है, विभिन्न विभिन्न जगहों से। ये फिरोज और धर्मेंद्र जो है ये इनके अलग अलग ठिकाने हैं, ये चितकोरा में भी इनके रहते हैं, फिर गोरीचक में भी इन्होंने मकान अपना बना रखा है, बेऊर में भी इन्होंने अपना मकान बना रखा है, जानीपुर में भी इन्होंने अपना जो है डेरा बना रखा है वहाँ पे भी। तो देखिए इसमें इनका ये रहता था कि ये जो विभिन्न जो देखते थे जो मोहल्ले हैं वहाँ पे सबसे रिमोटेस्ट घर किसका है, और फिर उसमें देखते थे कि वहाँ पे कोई पुरुष रहता है नहीं रहता है, कोई अगर बाहर सर्विस कर रहा है तो उसको टारगेट करते थे, कि अगर वहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग लोग रह रहे हैं तो उसको टारगेट करते हैं। उसके साथ साथ अभी पूरी की जो पूरी गैंग है उसको हम देख रहे हैं, और भी इसमें कुछ कुछ गैंग अभी इसके साथ पैरेलली सक्रिय है तो उनको भी हम देख रहे हैं। जो कल लास्ट रात की घटना हुई उसमें एक डिफरेंट गैंग थी जो इसके एमओ से अलग था उनका, तो वो भी गैंग कौन सी है, अलग भी गैंग इसमें काम कर रही है। तो आपने सुना, भरत सुनने ने साफ तौर पर कहा है कि ये नट गिरोह ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग थाना में एक बड़ी घटना को अंजाम देते थे और खास करके वैसे घर को निशाना बनाते थे जो निर्माणाधीन था, और उसमें महिला जाकर रेकी करती थी और उसके बाद हाथ साफ कर लेती। आपको बता दें कि इसमें दो महिला सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी भी इसमें दर्जन से ऊपर अपराधी फरार बताया जा रहा है। हालांकि और भी अपराधियों को पुलिस लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और छापेमारी कर रही है। विक्रांत कुमार, न्यूज़ पीआर, पटना।